प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सरेंडर मोदी कहने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दो लोगों ने योग नहीं किया, चीन और राहुल गांधी। उनके शब्द उनकी बुद्धि के पैमाने को बताते हैं। जब भी वह बोलते हैं देश के सैनिक और देश का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सर, राहुल गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा। दो लोगों ने कल योग नहीं किया, एक तो चीन ने योग नहीं किया, एक राहुल गांधी जी ने योग नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जो उनके शब्द हैं वो उनके बुद्धि के पैमाने को भी बताते रहते हैं। वो जब बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं जिससे सेना का मनोबल टूटे, देश का मनोबल टूटे, बस उनका खुद का मनोबल बढ़ जाए। लेकिन देश की जनता बहुत जानती है, देश के स्वाभिमान को जानती है, देश के सम्मान को जानती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो राजीव जी जैसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूछो। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है लगातार 15 दिनों में। परिस्थिति अभी देश की इस तरह की है, कोरोना के कारण से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, पर जल्दी ही हम इससे उबर आएंगे। सर, सीएम साहब दिल्ली जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ये उनका प्रिविलेज है, जब चाहें तब कैबिनेट का विस्तार वो करेंगे। इसलिए दिल्ली भी जाना होगा तो जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ उपचुनाव की भी तैयारियां हैं, किस तरह की चुनौतियां आएंगी सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। कांग्रेस देश में कहीं चुनौती बची नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी 10 साल में अपने को विपक्ष का नेता बनाने लायक उम्मीदवार न जिता पाए उससे क्या उम्मीद करेंगे। सवाल मध्य प्रदेश का है तो यहाँ तो धोखे से एक बार आ गए, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार किसान को, नौजवान को धोखा दे दिया और चुनाव में वो भी बहुमत नहीं मिला, जितना झूठ पच सकता था वहाँ उतना पचा। और अब उपचुनाव में क्या चिंता करना, जाएंगे तो यही लोग ना, नेता तो यही है ना। अब ये नेतृत्व तो कांग्रेस का जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या खाके शिवराज सिंह जी का मुकाबला करेंगे। सर, पहले बरैया जी को राज्यसभा का चुनाव हरवाया, और चुनाव ले जा रही कांग्रेस। देखिए, बरैया जी बहुत सज्जन और सीधे आदमी हैं, वो छपल छल कपट से बहुत परे रहते हैं और कांग्रेस हमेशा उनके साथ छल कपट करती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब विधायक नहीं थे तो बरैया जी को लड़ाया क्यों, और लड़ाया तो फिर हराया क्यों। अब हरा दिया है तो ये आएंगे और फिर इसी तरह से उन्हें हरवाएंगे, उनका मन बहलाने के लिए कि यहाँ से जीत जाओगे वहाँ से जीत जाओगे। मैं तो उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो समझे अच्छा कांग्रेस के छल को। वैसे प्रदेश का हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग ये बात समझ गया है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है। बात ही करती है सर कांग्रेस दलित के आदिवासियों की, ऐसा लगता नहीं कि ये चुनाव ने बता दिया कि बातें रही। इस चुनाव ने नहीं बताया, आदिकाल से बताती आए। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति मैंने कहा था ना, जब सिद्धांत सिंह सोलंकी का नंबर आया तो कभी अर्जुन सिंह आ गए, कभी दिग्विजय सिंह आ गए। जब जमुना देवी जी का नंबर आया तो कभी दिग्विजय सिंह जी आ गए, कभी दूसरे राहुल सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया जी का नंबर आया तो फूल सिंह पे फिर दिग्विजय सिंह आ गए। मैं शिक्षा विभाग को भेज दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।